दोस्तों एक प्रश्न आपके सामने, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज की पहचान कैसे करेंगे आप? ये चार ऑप्शन आपके सामने, मानक पासा स्टैंडर्डाइज की पहचान आप कैसे करेंगे? आपके कंपटीशन एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन मानक पासा के लिए सही है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, ये भी 7 नहीं होता है, विपरीत सतह का योग 7 होता है और 5 के विपरीत 2 नहीं होता है। तो कौन सा पासा, कौन से ऑप्शन आपका सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका होगा अपने विपरीत सतह का योग 7 होता है। तीसरा वाला पॉइंट इसका सही होगा कि विपरीत सतह का योग इसमें 7 होता है। अब देखिए दोस्तों, इस पासे पर विचार कर लेते हैं। देखिए इस 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5 है, तो 5 के विपरीत होगा 2 होगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। थैंक यू दोस्तों।